जितनी हम लोगों के पास सूचना आई थी और जितने भी इन संगठनों से हमने बात की थी, सभी ने मिलकर ये आश्वासन दिया था कि वो किसी भी प्रकार का जो है उपद्रव नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करेंगे। लगातार ये लोग प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे थे, पर कुछ उपद्रवियों ने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। पुलिस की कार्रवाई से मामला अब जो है शांत हुआ है, उपद्रव शांत हुआ है। हम लोगों का प्रयास यही है कि आगे शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। रांची की आम जनता से हम लोगों की यही अपील है कि पुलिस को अपना कार्य की करने दिया जाए, शांति बनाए रखने में हम लोगों का मदद करें, सहायता करें। हाँ, जरूर कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। सर गोली भी चली है सर, कुछ लोगों की घायल होने की सूचना है। अब किसकी घायल नहीं है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। अभी हम आप देख सकते हैं कि काली मंदिर के पास जो बजरंग बली मंदिर है वहाँ पर खड़े हैं। वहाँ के स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी की गई है, और यहाँ पत्थरों का जो हुजूम है आप वो देखिए, पत्थरों को जो दिखाया जा रहा है आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर फेंका गया है। पत्थर ये एक जो जुम्मे की नमाज पढ़ी गई थी उसके थी, वो भीड़ इकट्ठी हुई और उन्होंने कंटिन्यू पत्थरबाजी शुरू कर दी है। और इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को तोड़ा गया है। गाड़ियों आप देख सकते हैं गाड़ी की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है, गाड़ी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। मंदिर के अगल बगल के भी लोग हैं, उन्हें भी नुकसान पहुँचाया गया। इसके अलावा जो सामने में आप देख सकते हैं कि टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड के पास जितनी भी टैक्सियाँ थी उसे पूरी तरह से प्रेस वाला गया है। देखिए आप देख सकते हैं कि प्रेस वाले की गाड़ी थी कि उसको किस तरह से नुकसान पहुँचाया गया। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ टैक्सी स्टैंड में जमा रखी हुई सभी के शीशे बुरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। पुलिस वालों ने उन्हें सजना चौक के पास रोका, तब उन्होंने वो उग्र हो गए और वे लगातार पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस के समझाने के बाद भी वे नहीं माने। अरे मैं यहाँ कश्मीर वाला सिस्टम लाना चाहता है, यहाँ के देश के जो किसी समुदाय के लोग हैं जो उनका खास समुदाय के इनका टेंडेंसी अच्छा नहीं है। जितनी हम लोगों के पास सूचना आई थी और जितने भी इन संगठनों से हमने बात की थी, सभी ने मिलकर ये आश्वासन दिया था कि वो किसी भी प्रकार का जो है उपद्रव नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करेंगे। लगातार ये लोग प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे थे, पर कुछ उपद्रवियों ने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। पुलिस की कार्रवाई से मामला अब जो है शांत हुआ है, उपद्रव शांत हुआ है। हम लोगों का प्रयास यही है कि आगे शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। रांची की आम जनता से हम लोगों की यही अपील है कि पुलिस को अपना कार्य की करने दिया जाए, शांति बनाए रखने में हम लोगों का मदद करें, सहायता करें। पुलिसकर्मी घायल है? हाँ, जरूर कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। सर गोली भी चली है सर, कुछ लोगों की घायल होने की सूचना है। अब किसकी घायल नहीं है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर।